गंगा मैया में जब तक पानी रहे मेरे सजना, तेरी जिंदगानी रहे, तेरी जिंदगानी रहे। हो गंगा मैया, हो गंगा मैया। जा रहे हैं वोटिंग करने के लिए दोस्तों, और ये वोटिंग करने के रास्ता है दोस्तों, और गुड़िया जा रही है इधर से, और योगी बाबा इधर हैं, और मिसेज राजपूत शीरो के साथ गाड़ी में है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रीट डॉग दोस्तों बहुत सारे हैं, तो इसलिए हम लोग लेकर नहीं आए शीरो को अभी। मिसेज राजपूत को भी मैं घुमाने लाऊंगा दोस्तों, देखते हैं, चलो। इश्क बिना क्या जीना यारो, इश्क बिना क्या मरना, तुमने इश्क का नाम सुना है, हमने इश्क किया है, इश्क हुआ कैसे हुआ, अच्छा हुआ जैसे हुआ। ये नेचुरल लेक है सर, ये पहले से ही बनी हुई है। पहले से ही बनी हुई है, अच्छा। तो आप कुछ बता रहे थे मंदिर वगैरह के बारे में। मंदिर सर जी, मैं बता रहा था आपको कि ये बाहुल शक्ति पीठों में से एक पीठ है, नैनी माता मंदिर। नैनी माता मंदिर, हाँ, इधर सती माता की बाई आँख गिरी थी और लेक पे आंसू गिरा था उनका, तभी लेक बनी है। उसको नैना मंदिर बोलते हैं, इसको नैनी झील बोलते हैं। नैनी झील बोलते हैं, नैनी लेक बोलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब आपका, क्योंकि आपने हमें बताया, बहुत बहुत ही सुंदर विचार बताया आपने, और हम लोग नहीं जानते थे इसलिए हमने आपसे पूछा। थैंक यू वेरी मच। ऑक्सीजन प्लांट है सर, अच्छा, बीच बीच में लगे हुए हैं, उससे पानी भी साफ होता है और मछलियों को ऑक्सीजन भी मिलता है सर, यही पानी पूरे नैनीताल में सप्लाई होता है। अच्छा, यही पानी। हाँ जी सर, बहुत अच्छी बात बताई। हाँ। और यहाँ की गवर्नमेंट को भी बहुत अप्रिशिएट करना पड़ेगा, क्योंकि इतनी सफाई पे ध्यान रखा हुआ है। सफाई होते रहती है सर। तो यहाँ मछली वगैरह को लोग चारा वारा तो नहीं डालते हैं? चारा नहीं डालते हैं सर, वैसे जाल ना अलाव नहीं है, चोरी छिपके डालते हैं थोड़ी बहुत। अच्छा 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 अच्छा, तो यहाँ हमें मछलियाँ नजर नहीं आ रही है। मछलियाँ सर जी आजकल ठंड रहती है ना, ठंड में नीचे रहती है, अगले महीने से जब गर्मी होती है तब ऊपर आती है। अच्छा, तो ये बहुत अच्छी बात बताई भैया ने हमें, अगर आपने मछलियाँ देखनी है नैनी लेक के अंदर आके, तो दोस्तों गर्मियों में आइएगा। जो ऑक्सीजन प्लांट लगे थे रहते हैं सर जी, उसके चारों तरफ घूमते हैं मछलियाँ। और मेरा आप सभी से दरख्वास्त है दोस्तों कि जब भी कभी आए तो भैया का नाम, क्या नाम है? आनंद नाम है सर। आनंद नाम है दोस्तों, इन्हीं की वोट लीजिएगा और एंजॉय कीजिएगा। और दोस्तों बहुत प्यारी बातें की इन्होंने हमारे साथ, और बहुत अच्छी चीजें बताई दोस्तों। अच्छा, तो ये जो बुलबुले उठ रहे हैं दोस्तों, ये देख रहे होंगे आप, ये ऑक्सीजन प्लांट है जो कि भैया ने हमें बताया अभी। और क्या बता रहे भैया सामने से, क्या बता रहे हैं? वो सामने पाइपलाइन, ऑक्सीजन की पाइपलाइन छोड़ रखी है ना सर, जगह जगह पर छोड़ी है वो। अच्छा अच्छा, और वो मंदिर कौन सा बताया आपने? वो ये शनिदेव का टेंपल है, आगे गोलू देवता टेंपल है सर, उससे आगे भोलेनाथ जी का, भोलेनाथ जी का टेंपल है। तो ये भैया ड्रम वगैरह किस लिए है बीच में? ये एरिया डिवाइड करने के लिए सर जी, यहाँ से मल्लीताल का एरिया आता है। अच्छा, नीचे को तल्लीताल का, तल्लीताल का। हाँ जी, इसका पिन कोड पोस्ट ऑफिस सब कुछ अलग अलग है। अच्छा, पूरा नैनीताल ही दो भागों में है ना, तल्लीताल मल्लीताल के, तल्लीताल और मल्लीताल। हाँ जी सर। तो बोट ये वहाँ नहीं जा सकती आप? जा सकती है सर जी, उसका डबल चार्ज लगता है। अच्छा, उसका डबल चार्ज लगता है, दोनों लेक घूमने का ना डबल टिकट लगता है। अच्छा, तो उस साइड भी मिल जाती होगी? हाँ, पूरे लेक में सात जगह से बोटिंग होता है, पूरे लेक में सात जगह से बोटिंग होता है। तो गाइस, भैया ने बहुत अच्छी बात बताई आनंद कुमार जी ने हमें, और ज्ञान भी लेना चाहिए दोस्तों, अगर किसी से सीखने को कुछ मिले तो सीखना भी चाहिए, और वही हम कर रहे हैं दोस्तों। और चलते हैं दोस्तों, अब हमारी वोट को घुमाने का टाइम हो गया है, वो भी दिल से। दोस्तों हम लोग अपने वोट की सवारी पर निकल पड़े हैं मिसेज राजपूत को लेकर, और बच्चे अभी कर रहे हैं घर पर गाड़ी में, और क्योंकि शीरो बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है दोस्तों, क्योंकि उसको लेकर नहीं आए, और यहाँ पे दोस्तों स्ट्रीट डॉग अलाउड नहीं है और वोट के अंदर भी अलाउड नहीं है, इसलिए उसे छोड़ना पड़ा गाड़ी में। और हम लोग देखिए कितना एंजॉय कर रहे हैं, और गाना दो लफ्जों की है ये कहानी, है ये मोहब्बत या है ला 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 ला। तो दोस्तों इसी तरीके से एंजॉय कर रहे हैं,
और माता रानी का ले रहे आशीर्वाद वो भी दिल से। कश्ती वाला क्या गा रहा था उसको कोई उसे भी याद आ रहा था। ला 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 पहाड़ ला 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 ला। और मैं कैसे मिलूँ? बहुत खुश। और मेरी माता का मंदिर वो देखी दोस्तों, और दर्शन करके आए हैं दोस्तों। और दर्शन करने के बाद ठीक लग रही है, अच्छी लग रही है। तो पानी बहुत ठंडा है, लेकिन इससे पहले हम गए थे आनंद कुमार जी की वोट में और अब जा रहे हैं दूसरे भैया की वोट में, क्योंकि आनंद कुमार जी बिजी हैं दोस्तों और टूरिस्ट बहुत ज़्यादा आए हुए हैं इस समय दोस्तों, क्योंकि अभी थोड़ी बहुत बर्फ देखने को मिल रही है। तो दोस्तों अभी सुनने में ये भी आ रहा है कि मानसून बता रहे हैं कि 9 या 10 को फिर से बर्फ पड़ सकती है। और मौसम दोस्तों बड़ा खुशनुमा है दोस्तों, क्योंकि बेगम है साथ में और हम भी हैं दोस्तों बिल्कुल पास में। तो चलिए दोस्तों, और माता रानी कृपा करे ऐसे ही बनाए रखे हमें भी और हमारे अपनों को भी और आप सबको भी, आप सबको भी, और आशीर्वाद लीजिए आप लोग भी नैना देवी का। बिल्कुल, सबके लिए दुआ मांगते हैं हम लोग वो भी दिल से। तो गाइस ऊपर वाले से दुआ करते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आप लोग भी हमारी तरह एंजॉय कर रहे होंगे अपनी फैमिली में, अपने दोस्तों के साथ, अपने नियर एंड डियर के साथ, वो भी दिल से। तो दोस्तों हमारा ये ब्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, वो भी दिल से। तो जय माता दी भी साथ में, साथ में जय माता दी भी दोस्तों। और इसी तरीके से दोस्तों एंजॉय करना है और कराना है वो भी दिल से। तो अब तो समझ में आपको आ गया होगा कि हम 2 दिन YouTube से क्यों दूर थे दोस्तों, गायब थे, क्योंकि दोस्तों हम लोग कर रहे हैं एंजॉय और आप लोगों के लिए कर रहे थे तैयारी दोस्तों, एक अच्छा ब्लॉग देने के लिए। आशीर्वाद लीजिए नैना देवी का, वो भी दिल से। अभी और आगे जाने का इरादा था लेकिन बिल्कुल छुट्टियाँ हो गई हैं, छुट्टियाँ हो गई है खत्म, और अब चलेंगे घर पर वो भी दिल से। तो दोस्तों क्योंकि बहुत कुछ ले लिया है, बहुत कुछ, सबसे बड़ा क्या, माँ का आशीर्वाद, माँ का आशीर्वाद कि भगवान सभी के घर परिवार को बनाए रखे और हम सब पर अपनी कृपा बनाए। बिल्कुल, माता रानी मैं पहली बार आई हूँ नैना देवी, तो मैं भी पहली बार आया हूँ, पहली बार मैं तो शादी के बाद ही जहाँ कहीं भी गई हूँ शादी के बाद ही गई हूँ, है ना। तो दोस्तों अब लेते हैं आपसे इजाजत और कहेंगे दोस्तों जय माता दी, जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव, हर हर महादेव, वो भी दिल से। और जय गंगा मैया, पूरन भाई को भी याद करें, जय गंगा मैया। गंगा मैया में जब तक पानी रहे मेरे सजना तेरी जिंदगानी रहे, तेरी जिंदगानी रही। हो गंगा मैया, हो गंगा मैया, जिंदगी के सफर में।